हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आई ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी डेट 25 दिसंबर, तो आज के यहां पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है यहां पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है आज आपका, ADMM प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है ADMM प्लस की इस वर्ष बैठक की थीम स्थायी सुरक्षा है। सेकेंड, ADMM प्लस में 8 वार्ता साझेदार देशों को शामिल किया गया, भारत भी इनमें से एक है। देखिए, ADMM का मतलब ये होता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स, ठीक है। यानी ADM की जो मतलब फुल फॉर्म है, यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। तो देखिए, यहां पर इसका जो दिया हुआ पहला वाला पहलू है, यानी इसमें ये बात की गई है, यानी कि यो आपका ADMM प्लस सदस्य देशों के ने अभी हाल ही में जो है सुरक्षा संबंधी रणनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर ये जो है एक मंच बना हुआ है ADMM प्लस के नाम से, ठीक है। और इस वर्ष इस बैठक की थीम जो थी, यानी वो थी स्थायी सुरक्षा यानी सस्टेनेबल सिक्योरिटी, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये थीम थी इस बार की, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर पहला वाला कथन तो सही है। देखिए, यहां पर अगर बात करें, यहां पर वर्तमान में अगर बात करें, देखिए वर्तमान समय में ADMM प्लस में आसियान के सदस्य देशों के अलावा 8 वार्ता साझेदार देश, इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, यानी 8 वार्ता यानी आसियान के अलावा इसमें कौन कौन से हैं वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा यहां पर चाइना है, जापान है, ठीक है, इंडिया है, यहां पर इंडिया के अलावा यहां पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है, अगला है यहां पे साउथ कोरिया है, रूस है और यूएसए है। रसिया है और यूएसए है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 8 कंट्री हैं, यहां पर अगर क्रम लिख दें 2, 3 और ये 8 कंट्री हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये 8 कंट्री इसमें आसियान के अलावा शामिल हैं, यानी कि जो आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स प्लस में, ठीक है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है, दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, यानी एक और तो दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज आपका, जयकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। देखिए, गुजरात जो जयकवाड़ी बांध है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, नाम सुना होगा औरंगाबाद का, और औरंगाबाद में एक यहां पर एक वो पड़ता है, यानी औरंगाबाद में एक नदी है गोदावरी, यानी औरंगाबाद में जो है गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। यानी गोदावरी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यहां पर पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। देखिए, इस बांध का उद्देश्य जो है वो मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़ तथा शेष समय में पड़ने वाली सूखे जैसी समस्याओं से निपटना है। तो यहां पर पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज आपका, जायर अल भय समुद्री स्वयंसेना अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य किया जा रहा है, भारत ईरान, भारत अफगानिस्तान, भारत कतर और भारत उज्बेकिस्तान। देखिए, अभी हाल ही में भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य 5 दिवसीय, यानी कि ये जो 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था जायर अल भय, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका सी वाला सही है। देखिए, इस अभ्यास को जो है, यानी कि ये अभ्यास जो है कतर की राजधानी दोहा में किया जा रहा है, किया गया इसका आयोजन, यानी कतर की राजधानी है दोहा, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है, यानी दोहा में किया गया आयोजन, ये भी आप याद रखना, कतर की कैपिटल है दोहा, तो वहां पर आयोजन किसका किया गया। देखिए, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का एक युद्धक जहाज था आईएनएस त्रिकंड और गस्ती हवाई जहाज P-81 हिस्सा यहां पे ले, इसमें लिया है हिस्सा इन्होंने, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फोर है आज आपका, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, इस पहल की शुरुआत वर्ष यानी कि नवंबर 2017 में की गई थी। सेकंड, ICMR ने इसकी शुरुआत वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की थी। देखिए, जो IHCI की शुरुआत है वो वर्ष नवंबर 2017 में की गई थी और यह 5 वर्षीय पहल है, यानी कितने साल के लिए, यानी 5 ईयर के लिए है, ये आप जान लीजिए, यानी 5 साल के लिए ये पहल है, रहने वाली है 5 साल के लिए, ठीक है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और ये इसे सबसे पहले जो है पंजाब, MP, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुल 25 जिलों में लागू किया गया था। तो यहाँ पहला वाला कथन सही है। देखिए, यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने विश्व स्वास्थ्य संगठन
और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की थी। यानी कि यहां पर वर्ल्ड बैंक नहीं है बल्कि WHO और जहां पर आपका जो है परिवार कल्याण मंत्रालय यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की थी। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, स्टारलिंक नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इसका उद्देश्य स्पेस आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। सेकंड, इसका निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा किया जा रहा है। थर्ड, इस परियोजना के तहत वर्ष 2020 तक पूरे विश्व को इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की प्रमुख निजी कंपनी जो आपकी जानते होंगे एलोन मस्क की कंपनी है, जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, तो इसने स्पेस इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए 60 सैटेलाइटों के एक समूह को निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में स्थापित किया है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरा वाला भी यहां पे सही है। देखिए, स्टारलिंक जो नेटवर्क है, जो ये परियोजना है, यानी कि इसका यहां पे लिखा है लक्ष्य 2020 तक विश्व को इंटरनेट सेवा प्रदान करना है पूरे विश्व को। देखिए, स्टारलिंक नेटवर्क नामक इस परियोजना के माध्यम से स्पेस एक्स वर्ष 2020 तक केवल और केवल USA राज्य और कनाडा में स्पेस इंटरनेट की सुविधा देगा। यानी पूरे विश्व में नहीं बल्कि यहां पर आपका दो देश आएंगे, USA प्लस कनाडा, यानी इन दो देशों में ही अपनी सुविधाएं देगा, ठीक है, स्टारलिंक नेटवर्क के माध्यम से। तो यहां थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, यहां पे पहला दूसरा कथन सही है। तो आंसर है आपका डी, केवल एक और दो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।